आईपीएल ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने दिखाया था इस युवा टैलेंट पर भरोसा और अब उस भरोसे पर बखूबी खरा उतरा है भारत का सबसे तेज गेंदबाज। स्पीड के मालिक सनराइजर्स हैदराबाद और भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने आईपीएल के मंच पर एक बड़ा करिश्मा कर दिया है जो आज से पहले सिर्फ एक बार ही आईपीएल इतिहास में देखने को मिला था और कम उम्र में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है जिसे तोड़ पाना किसी दूसरे गेंदबाज के लिए भी दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। तो आखिर कैसे उमरान ने मुंबई में रचा इतिहास और बनाया एक विश्व कीर्तिमान, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में जीत की हैट्रिक लगा चुके सनराइजर्स हैदराबाद चौथी जीत की तलाश में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना छठवां मुकाबला खेलने उतरी, जिसमें हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने एक और टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी और हैदराबाद में शानदार शुरुआत करते हुए स्टैंड इन कैप्टन शिखर धवन, प्रभसिमरन, जॉनी बैरिस्टो को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर हैदराबाद की टीम ने शानदार शुरुआत की। हालांकि इसके बाद इन फॉर्म लिविंगस्टन और टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा भी बेहतर लय में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में 8वें ओवर में पहली बार उमरान मलिक इस मुकाबले में गेंदबाजी करने आए, लेकिन जितेश ने उनके ओवर में 2 चौके जड़कर उमरान के ऊपर दबाव डाल दिया था, पर तेज रफ्तार के सौदागर ने उसी ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए जितेश को बैकफुट पर ढकेल कर उनका विकेट चटका दिया और इस तरह उमरान मलिक ने इस मुकाबले में अपनी पहली सफलता हासिल की। लेकिन इसके बाद लिविंगस्टन और शाहरुख खान के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी हुई और मैच बिल्कुल बराबरी का हो चला था, पर फिर आखिरी ओवर में एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी उम्मीद खुद सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे ने नहीं की होगी। पंजाब की पारी का आखिरी ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक और उनके सामने हार्ड हिटर बल्लेबाज ओडियन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, पर भारत के सबसे तेज गेंदबाज ने आखिरी ओवर में बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटके और हैट्रिक की दहलीज पर भी पहुंचे। हालांकि हैट्रिक तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन उमरान की तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने पूरी पंजाब की टीम मात्र 151 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के सबसे तेज गेंदबाज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में केवल 28 रन देकर 4 विकेट झटके और इस बड़े मंच पर अपना नाम बनाया और साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। दरअसल आईपीएल के इतिहास में ऐसा दूसरी बार ही हुआ है कि किसी गेंदबाज ने पहली पारी के आखिरी ओवर को मेडल निकाला है और 3 विकेट झटके हैं। इससे पहले मुंबई इंडियंस के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ डर्बन में यह करिश्मा किया था। इसके अलावा अगर दोनों पारियों को मिलाकर देखा जाए तो आखिरी ओवर में मेडल डालने वाले उमरान मलिक 4थे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले सीजन में ही इरफान पठान ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए मुंबई के खिलाफ, दूसरे सीजन में लसिथ मलिंगा ने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए जयदेव नादकट ने साल 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये कारनामा किया हुआ है और अब इस सूची में युवा तेज गेंदबाज का भी नाम दर्ज हो गया है। जिस तरीके से उमरान मलिक इस आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भारत के लिए एक बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।